तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका छोटा राजन भाई। तो आज आप लोग को कुछ अरबी बोलना सिखाएंगे। अरबी कैसे बोला जाता है, नए आदमी जब आएंगे सऊदी अरब तो कुछ ऐसा अरबी शब्द मैं बताऊंगा जो रोज यूज कर सकते हैं, किसी से आप बात कर सकते हैं। आपको एकदम आसान हिंदी से अरबी सिखाएंगे, ठीक है दोस्तों? तो एकदम बिल्कुल आसान। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए, ये थोड़ा अलग किस्म का वीडियो होगा। थोड़ा मैं ऐसा समझाऊंगा कि आप लोग के दिमाग में घुस जाएगा और सही से आपको याद हो जाएगा कि इसका मतलब ये होता है अरबी में। हिंदी का मतलब हिंदी में बताऊंगा, अरबी का मतलब हिंदी में बताऊंगा, हिंदी का मतलब अरबी में बताऊंगा, ठीक है? तो आप लोग, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, तो वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा। और अच्छा लगेगा, थोड़ा भी अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करिएगा। कुछ देखते हैं आप लोग क्या कमेंट करते हैं, भाई कैसा लगा आप लोग को वीडियो, और शेयर कर दीजिएगा भाई। मैं शुरू से आपको बताता हूँ, ठीक है? जब आपको यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है, जॉब के लिए आ रहे हैं, जॉब के लिए मान लीजिए ड्राइविंग जॉब में आए, ठीक है, तो आपको अगर मैडम बुलाएगी, ठीक है, चाहे कोई मैडम हो या आपका कपिल हो, बुलाएगा, ठीक है, तो ताल 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 से ताल मिला, गाना सुने, ताल से ताल मिला, तो ताल 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 याद रखिए। ताल मतलब इधर आओ, ताल इजी 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 जो सरफ होता है, जो स्वेटर उटर धोया जाता है, स्वेटर जैकेट उकेट धोया जाता है, इजी इंडिया में इजी बोलते हैं ना, चाहे कोई सामान है ये तो काम तुरंत में कर लेंगे, इजी है भाई, इजी इजी है, बहुत ये काम तो बहुत आसान है, इजी है, इजी समझ गए। इजी मतलब इजी मतलब आ जाओ। ताल और इजी सेम है, जैसे आपको फोन किया, ताल ताल, चाहे बोलेगा इजी बेत, इजी बेत का मतलब क्या होता है वो भी बताते हैं, इजी मतलब आ जाओ, ठीक है। इजी इंडिया में इजी है, कोई काम इजी है तो इजी, और ताल ताल से ताल मिला या कुछ भी समझ जाइए, ताल याद रखिएगा, इजी मतलब इधर आओ, ठीक है। रो रो रो, जितना रोना है रो लो, तुम जितना रोना है रो, याद रखिए, रोते हैं ना रोते हैं, वही रो मतलब जाओ। इंडिया में रोने का बोलते रो, तो यहाँ रो मतलब जाओ, कहेगा रो मतलब जाओ, यहाँ मतलब घर जाओ, चाहे वहां जाओ, यहाँ जाओ, रो याद कर लीजिए। रो अगर रोने के लिए बोलेगा तो आप रोने मत लगिएगा, रो मतलब चले जाइएगा, ठीक है, याद रखिएगा, रो मतलब जाओ, ठीक है। और आपको बता रहे हैं कि आपसे पूछेगा, जैसे सुगल सैयारा, सुगल सैयारा, सुगल सैयारा मतलब जानते हैं, सुगल सैयारा मतलब सुगल, इंडिया में नहीं बोलते, सुगा सुगा तोता पैरोट, सुगा सुगा सैयारा, सैयारा यार यार दोस्त कुछ हो, याद रखिएगा सैयारा। सुगल सैयारा मतलब गाड़ी स्टार्ट करो, ठीक है दोस्तों, गाड़ी स्टार्ट करो, ठीक है। आप फोन कीजिएगा अपने कपिल को, तो अगर आपको पूछना है कि मैं किसी दिन को छुट्टी चाहिए, ठीक है, तो आप फोन कीजिएगा, बोलिएगा अस्सलाम वालेकुम बाबा, या कपिल को बाबा जो बूढ़ा रहता है उसको बाबा बोला जाता है, ठीक है, तो उसको बोलिएगा कि अना इजाजा, ठीक है, चाहे आप बोलिएगा अना इजाजा, बोलिएगा इजाजा, मतलब इजाजा मतलब छुट्टी होता है, ठीक है, इजाजा मतलब छुट्टी। तो जो दिन का छुट्टी चाहिए वो दिन का बोल दीजिएगा छुट्टी हमको चाहिए, छुट्टी भी बोल दीजिएगा, छुट्टी नहीं समझेगा, ठीक है, इजाजा और कुछ इंग्लिश उंग्लिश मिला के मार दीजिएगा, समझ जाएगा, ठीक है दोस्तों। और आपको बता दें फ्लूस फ्लूस फ्लूस, याद रखिएगा ये मेन पॉइंट है, फ्लूस फ्लूस किसको बोलते हैं आप लोग नहीं जानते होंगे, अगर जानते होंगे तो कोई बात नहीं, नहीं जानते हैं तो मैं बता देता हूँ, फ्लूस मतलब पैसा, फ्लूस पैसा को बोलते हैं फ्लूस, ठीक है, जीब फ्लूस, जीब ए जीब, जीब है ना, जीब फ्लूस मतलब दो पैसा दो हमें, ठीक है, जीब मतलब दे, जैसे कोई चीज बोलता है ना कि ये हमको दो दो दो, मतलब जीब वही जीब होता है, ये याद रखिए, जीब मतलब कुछ भी करना होगा तो जीब ले लीजिएगा, जीब मत ये जीब मतलब जीब नहीं, जीब फ्लूस मतलब पैसा, जीब बैग हो रहेगा, बैग जीब भी मतलब, जीब मतलब देना लेना, दो ये हमें दे दो, जीब उसी को बोलते हैं, ठीक है। और आपको मैं बता दूं, जीब मतलब देना हो गया, और एक और बताते हैं आपको,
और बता दें बैन रो, बैन मतलब होता है बैन, हिंदी में कुछ समझ ले बहन, मारुति बहन या बहन, बहन बहन होता है ना, तो वो आपसे पूछेगा बैन रो, मतलब रोने मत लीजिएगा, बैन रो मतलब तुम कहाँ जा रहे हो, कहाँ गए थे, ठीक है, कहाँ जा रहे हो या कहाँ गए थे, ठीक है, यही होता है बैन रो। बैन रो इंता, मतलब इंता मतलब तुम, ठीक है। देखिए मैं कभी अरबी नहीं पढ़ा हूँ ना उर्दू पढ़ा हूँ, लेकिन जब यहाँ आया बात करते करते काम चलाने जुगत मैं अरबी बोल लेता हूँ, ठीक है दोस्तों, जो रोज का बात हो सकता है वो बात कर लेता हूँ, ठीक है। आपको सॉरी क्या बोलते हैं, जैसे इंडिया में सॉरी बोलते हैं ना, माफ कर दीजिए या सॉरी, तो उसको अरबी में क्या बोलेंगे दोस्तों, मालिश, तेल मालिश, तेल मालिश, तेल मालिश, तेल मालिश मत कीजिएगा, ठीक है, सीधे बोलिएगा मालिश, 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 ऐसे नहीं बोलता है तेल मालिश, तेल मालिश, तेल मालिश, तो तेल हटा दीजिएगा, सीधे मालिश, 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 मतलब सॉरी, सॉरी, सॉरी होता है ना, तीन बार चार बार सुनने कोई ज्यादा गलती होता है, सॉरी, 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 तो उसमें मालिश, 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 ठीक है। हाँ तो मालिश समझ गए, मतलब सॉरी माफ कर दीजिए हमें गलती हो गया, मालिश, ठीक है, मैं आपको मतलब तरीके से समझा रहा हूँ, मालिश, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू को क्या बोलते हैं, कोई आपको कुछ दे रहा है उसको थैंक यू बोलना होगा, थैंक यू तो इंग्लिश हो गया, धन्यवाद हिंदी हो गया, अरबी में क्या होगा, तो अरबी में होगा शुक्रान, शुक्रान, शुक्रन, शुक्रन, ठीक है, शुक्रन, शुक्रन मतलब थैंक यू या धन्यवाद, शुक्रन, शुक्राणु नहीं बोल दीजिएगा, शुक्राणु भी बोलिए तो चलेगा, क्योंकि हिंदी में जब नया आदमी आते शुक्राणु या शुक्रन बोलिए सब सेम सेम समझ जाते वो लोग, शुक्रन, ठीक है, शुक्रन बोल दीजिएगा। और उसके बाद जैसे वेलकम बोलते हैं ना, तो आपको बोलना आफवन, आफवन, ठीक है, आफवन, मुझे भी अभी मतलब समझ लेता हूँ कोई बोलता है तो, लेकिन मैं भी उतना फटाफट अरबी नहीं बोल पाता हूँ, ठीक है, बस समझ लेते हैं, जो समझाना रहता है वो समझा देते हैं, ठीक है। थैंक यू मतलब शुक्रन, आ वेलकम मतलब आफवन, ठीक है दोस्तों। और बता देता हूँ आपको कि आपको पूछेगा जैसे हिंदी में पूछते हैं ना, हेलो कहाँ हो भाई, कहाँ हो भाई, तो अरबी में आप उसको भाई को बोल सकते हैं आखो, ठीक है, आखो मतलब भाई होता है, तो आपको पूछेगा वैनिंता, वैनिंता ताल हिना बेत, मतलब तुम कहाँ हो, आ जाओ मेरे घर पे आओ, ठीक है, हमको यहाँ जाना है, तो ताल इन, ताल बेत, ताल बेत मतलब घर पे आ जाओ, वैनिंता मतलब तुम कहाँ हो, आ जाओ घर पे, मुझे काम है, तालबेत, ठीक है, अवैनिंता तुम कहाँ हो, तो आप बता दीजिएगा जी, आना मौजूद गुड़फा, आना, आना मतलब मैं, आना, मैं को अरबी में बोलते हैं आना, ठीक है, आना, 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 याद रखिए, आना मतलब मैं, आना बेत, बेत मतलब घर भी समझ लीजिए, रूम भी समझ लीजिए, आना बेत मतलब हम अपने घर पे हैं, ठीक है, आना बेत मौजूद, मौजूद मतलब हम यहाँ पे हैं, मौजूद तो हिंदी हो, मौजूद मतलब मौजूद, आप समझ सकते हैं, मौजूद मतलब यहाँ पर हम मौजूद हैं, ठीक है, मौजूद तो हिंदी में भी बोलते हैं मौजूद, मैं उसके वहीं पर तो मौजूद थे, ठीक है, मौजूद हो गया। और मैं बता दूँ आपको, और बता देता हूँ, लेफ्ट राइट दाहिना बायां, ठीक है, लेफ्ट राइट और दाहिना बायां, एसआर, एसआर मतलब बायां, एसआर मतलब लेफ्ट, ठीक है, और यमीन मतलब दाहिना, राइट, यमीन, एस आर, एस आर फिल्म है ना, तो एस आर मतलब बायां और यमीन, यमीन अमीन नहीं होता है घर नाप उप करने वाला, वो याद रखिए, यमीन मतलब दाहिना, ठीक है, वरा, 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 ठीक है, वरा मतलब पीछे, डिग्गी को बोलते हैं वरा, ठीक है, या पीछे जाना होगा तो पीछे मतलब बरा, बरा, बरा भाई है भाई, बरा भाई, तो वरा मतलब पीछे, ठीक है, कुछ कुछ मैं टॉपिक बता देता हूँ अभी, इसके बाद कुछ कुछ और अरबी सिखाऊंगा, आप लोग सीखना चाहेंगे तो कमेंट कीजिएगा और वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।
वरा मतलब पीछे हो गया, और बग्गीव 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 मतलब रोको 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 गाड़ी रोको, ठीक है बग्गीव। और आप लोग को कुछ और आगे भी सिखाते रहेंगे अरबी। आप लोग कमेंट अगर लाइक ज़्यादा मिलेगा और वीडियो को आप लोग ज़्यादा पसंद कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, तो मैं इस तरह का वीडियो आगे भी बनाऊंगा। ये तो 1-2 भी बता ही देते हैं, 5 तक बता देते हैं, ठीक है। वाहिद, वाहिद मतलब होता है 1, 1, वाहिद, ठीक है, वाहिद मतलब एक होता है। और इतनेन, इतनेन मतलब 2 होता है, ठीक है। इतने दिगीगा ना इजी मतलब 2 मिनट में मैं आ रहा हूँ, ठीक है। इतने दिगीगा आना इजी, दिगीगा मतलब वेट करोगे, सोया दिगीगा, सोया दिगी मतलब कोई धीरे धीरे काम करने, सोया दिगीगा बाबा, सोया दिगीगा, ठीक है। तो वाहिद इतने तलाता, 3, तलाता मतलब 3 होता है, 3 मतलब तलाता। अरबा, अरबा मतलब 4, ठीक है, अरबा मतलब 4 होता है। खमसा, खमसा मतलब 5, ठीक है, खमसा रियाल, असरा रियाल, वाहिद रियाल, रियाल मतलब फुलूस को यहाँ, पैसा को यहाँ रियाल बोलते हैं। खमसा रियाल, वाहिद रियाल, असरा रियाल, खमसीन रियाल, ये सब रियाल होता है, ठीक है दोस्तों। तो रियाल मतलब यहाँ मतलब अपने यहाँ ना बोलते हैं 10 रुपया, यहाँ 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 असरा रियाल, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो बहुत लंबा हो गया इस तरह का, अगर आप लोग को थोड़ा भी अगर वीडियो में कुछ सीखने को मिला होगा तो भाई लाइक करके जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नया आदमी जो वीडियो देख रहे हैं दोस्तों। इससे क्या होगा, मैं आप लोग का जरूरत के वीडियो बनाते रहता हूँ, आप लोग का जो सवाल रहता है वीडियो बनाते रहता हूँ। तो कैसा लगा लाइक से पता चलेगा, जितना लाइक ज़्यादा रहेगा उतना लगेगा कि वीडियो अच्छा लगा, जितना डिसलाइक रहेगा उतना लगेगा कि वीडियो अच्छा नहीं है। तो डिसलाइक या लाइक आपका वोट है, आप वोट दीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने भाई के लिए, अपने आप पूरे इंडिया जितने भी जानना चाहते हैं अरबी में कैसे बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो जय हिंद, जय भारत, फिर अगली वीडियो मिलते हैं कुछ नया। आप लोग कमेंट कीजिए, अरबी भी सिखा सकते हैं कुछ भी, देखिए नेक्स्ट वीडियो क्या आता है। और नया आदमी है तो चैनल सब्सक्राइब करके जाइएगा और घंटी भी दबा दीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।